Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. किसी इंसान को जिंदा जला देना अपने आप में एक भयानक वारदात है. पुलिस के लिए कई सवाल, कई चुनौतियां लिए ये केस आपके मन में भी ये विचार जरूर पैदा करेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है. अम्मी, हम आपके बगैर नहीं रह सकते. अम्मी, दरवाजा खोलो. आई बेटे. आई आई. अम्मी, आपने इतना टाइम क्यों लगाया दरवाजा खोलने में? अंदर तो आ जाओ. अरे आपा ने इतना अच्छा बयान दिया कि मैं तुझे क्या बताऊं. अरे काश तो भी सुन पाती. मम्मी क्या कर रही थी आप इतनी देर से? बेटा वो मैं सेवैया बना रही थी. सेवैया? वो तो मुझे बहुत पसंद है, मेरी प्यारी मम्मी. सर, सर आपका अंदाजा सही निकला. उस आदमी को जिंदा जलाया गया. ये रही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट. सर लाश पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उस आदमी की उम्र 35 से 40 साल रही होगी और हाइट तकरीबन 5 फीट 9 इंच होगी. और कुछ हाथ लगा? हाँ सर. सर हमें उसका ये जला हुआ वोटर आई डी कार्ड मिला है. इसके स्टार्टिंग के 8 नंबर तो रिकवर हो गए हैं, लेकिन बाद के 2 नंबर वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं. सर इसका नाम भी जल चुका है, लेकिन इसके नाम का पहला लेटर M से शुरू होता है और सेकेंड नेम के आखिरी 2 लेटर A और D है. इस वोटर आईडी से हमें उस आदमी की पहचान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पता करो. ओके सर. शर्मा, इस आदमी को इतनी बेरहमी से जलाकर मारा गया है, मुझे तो ये मामला आपसी रंजिश का लगता है. खैर, अपनी सभी टीम्स को अलर्ट पर रखो. हमारी तफ्तीश में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए. ओके सर. सर ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ. सर मैंने वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर उस जली हुई आईडी की इंक्वायरी की. कुल मिला के 3 ऐसी आईडीज मिली हैं जो हमारे विक्टिम हो सकते हैं. पहला है मोहम्मद दिलशाद, दूसरा है मनोहर प्रसाद. सर मनोहर प्रसाद और मोहम्मद दिलशाद मोहटा के रहने वाले हैं, इनसे बात हो गई है सर. और तीसरा है मोहम्मद शमशाद. सर इसके घर का एड्रेस भी मिल गया. मोहम्मद शमशाद. मोहम्मद शमशाद का घर यही है? जी हाँ यही है. क्या बात है सर? क्या बात है सर? दरअसल आपसे कुछ जरूरी बात करनी है. बेहतर होगा आप बच्चों को अंदर भेज दें. जी बेटा अंदर जाओ. चलो आइए सर. जी मैं ही हूँ सुनीता. हमें मोहम्मद शमशाद के बारे में आपसे कुछ पूछताछ कर रही है. कौन है बेटी? कोई नहीं. देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी के लिए आप लोग यहाँ से चले जाइए. अगर मेरे पापा को पता चल गया ना कि आप लोग शमशाद के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो वो मुझे जान से ही मार डालेंगे. प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए. कोई बोल क्यों नहीं रहा? कोई नहीं पापा, वो बस कोई एड्रेस पूछ रहा है. ठीक है, हम तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं. तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा. हाँ ठीक है, आप आगे चलिए, मैं पीछे से आती हूँ.
कौन था बेटी? कोई नहीं पापा, वो बस एड्रेस बता दिया। जनवरी 2016 से लेकर 13 मार्च 2017 तक तुम शमशाद से कॉन्स्टेंटली टच में थी? हमारी दोस्ती थी सर। दोस्ती? शमशाद की उम्र 43 की थी और तुम्हारी 21 की है, इतनी दोस्ती कैसे होगी तुम दोनों के बीच? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से सुबह शाम बिना नागा कई कॉल्स होते थे तुम्हारे बीच, मैसेजेस होते थे, और कई कॉल्स के ड्यूरेशन तो आधे घंटे से ऊपर गए, वो भी दिन में 2-3 बार। फासला सिर्फ उम्र में बड़ा था, फोन में तो नजदीकियां बड़ी थी। ये सारे सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो सर? वो इसलिए क्योंकि हमें शमशाद की डेड बॉडी मिली है, किसी ने उसे जिंदा जलाकर मार डाला है। और जब हम उसका केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उसके कॉल रिकॉर्ड में से हमें तुम्हारा नंबर मिला है। क्या लगता है कौन मार सकता है उसे? मुझे क्या पता सर, मुझ पर पहले भी हमला हो चुका है। मारो साले को, आज मारो, जब तक साले की दिमाग ना ठिकाने आ जाए मारते रहो। सुनीता दूसरे मजहब की है, इसके घर वाले कभी भी हमारे इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देते। मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी हंसी ही मिटा दूं और मामला ठंडा होने पर सुनीता के साथ कहीं दूर निकल जाऊं। मैंने दासना में मरे हुए आदमी के नाम पर सिम लिया और उसी नंबर से मैं सुनीता को फोन करता था और बाद में फोन ऑफ कर देता था। तो तेरी सोच की वजह से एक बेगुनाह की जान गई, कौन था वो? एक आदमी अक्सर दरगाह के बाहर बैठा करता था, वो लगभग मेरी ही कदकाठी का था। मैंने उसे मेरे कपड़े दिए, उसे बराबर आ गए। वो पागल नहीं था लेकिन कुछ अजीब सा था। उसकी बीवी सुबह उसको दरगाह पर छोड़कर जाती थी और रात को ले जाती थी। तो तूने उस भिखारी को टारगेट किया? मैंने सोचा अगर मैं इसको मार दूं और दुनिया को ये यकीन दिला दूं कि वो मैं हूं तो मेरा सारा काम आसान हो जाएगा। मैंने उस आदमी को एक सुनसान जगह पर बुलाया, वो मेरे ही दिए हुए कपड़े पहनकर आया। फिर मैंने उसे अपनी घड़ी, अपना पर्स और कुछ पैसे उसे दिए। उसने अपनी जेब में डाल दिए। मैंने फिर एक खाने का पार्सल उसे दिया, वो जैसे ही खाना खाने लगा मैंने उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। सुनीता ने मुझे कुछ रुपए दिए थे, मैंने उस आदमी का एक बार पीछा किया था। उसकी एक बीवी है, एक बच्चा है। मैंने एक पैसों से भरा हुआ बैग उसके घर के बाहर रख दिया। मैं जानता था सर उसकी फैमिली है। और तुम्हें इसने कैसे कन्विंस किया अपने प्लान में शामिल होने के लिए? सर अगर भागकर शादी करती तो न जाने क्या हो जाता। पापा ने पहले भी शमशाद को पिटवाया है, अब की बार तो जान से ही मार डालते, इसलिए अकेले भागूंगी तो हल्ला नहीं होगा सोचकर मैंने शमशाद का साथ दे दिया। प्लान अच्छा बनाया था तुमने, कामयाब भी हो गए, अब इस कामयाबी का इनाम भी मिलेगा, जिंदगी भर जेल में रहना दोनों। हर रिश्ते की बुनियाद भरोसा होता है। रिश्ते बनाने से ज्यादा रिश्तों में भरोसा पैदा करने में कठिनाई होती है, और अक्सर जब भरोसा टूटता है तो रिश्तों की मजबूत से मजबूत इमारत को भी धराशाही होने में वक्त नहीं लगता। अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना, मरने का नाटक तो पहले ही कर लिया था, आज वाकई में मर गए हमारे लिए। वो एक साथ जिंदगी गुजार तो रहे थे लेकिन कभी एक नहीं हो पाए थे, एक दूसरे को अपना नहीं पाए थे, और अंजाम इतने खतरनाक और भयानक रूप में सामने आया। अपने आप को दुनिया की नजर में बेहतर बनाए रखने के लिए शमशाद ने किसी बेगुनाह की जान ली थी। याद रखिए,
जुर्म पे कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करें, एक ना एक दिन वो बेनकाब होकर ही रहता है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।